हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक गाड़ी पे हूँ और गाड़ी से संबंधित मैं एक छोटे से टूल के बारे में आप सबों को शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हालांकि वो बड़ा छोटा सा टूल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। तो इससे पहले, मैं गाड़ी में अकेला हूँ, मैं अपना मास्क खोल देता हूँ ताकि आप सबों से अच्छी तरह से बातचीत हो सके। और मैंने गाड़ी रोकी हुई है, मैं चला नहीं रहा हूँ, सीट बेल्ट पहना हुआ हूँ। तो भाई, आप जब भी गाड़ी पे चलें तो बहुत सेफ्टी से चलें और सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में या पूरे विश्व में कहिए, वाहन गाड़ियों की जो दुर्घटनाएं बहुत काफ़ी तादाद में होती हैं और हम बहुत सावधानी से चलाते हैं, लेकिन सामने वाला या पीछे वाला कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी ही सावधानी से चलाए। इसलिए हमें खुद को अवेयर रहना पड़ेगा, खुद को सावधान रहना पड़ेगा और लिमिटेड स्पीड में चलाएं, बहुत तेज़ न चलाएं, नियंत्रित होकर चलाएं, है ना। तो जो आज मैं जो टूल के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत ही छोटा सा टूल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप में से कई लोग जानते होंगे इस संबंध में, लेकिन आप फिर भी मैं बड़ा चिंतित था इस टूल के बारे में, तो मैंने इसे ख़रीदा। मैं अनबॉक्सिंग तो नहीं किया, बल्कि अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आप सबों से। देखिए, बिल्कुल छोटा सा एक टूल है ना, बस यूं हाथ में एक हथेली में आ जाता है। और इस टूल का जो वर्णन है इसके बारे में, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली बात है। तो मैं इस छोटे से टूल के बारे में बताना चाहता हूं। इसका नाम है कार विंडो ब्रेकर, ठीक है, कार विंडो ब्रेकर। और स्पष्ट है, कार का जो विंडो है यानी कि जो खिड़कियों के जो शीशे होते हैं उसको तोड़ने वाला एक हैमर कहिए, हथौड़ा कहिए, जो भी कहिए। तो मैं बहुत दिनों से इसे मैं लेने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कार में जब मैं देखता हूँ बहुत सारे समाचार और वीडियोज आते हैं कि रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गए, पानी में गिर गया, और विशेष रूप से जब जो है वो जो कार में आग लग जाती है, तो भाई मैं बड़ा चिंतित होता हूँ कैसे लोग उसमें, कई लोग जो हैं बंद कार में जो है जलकर बिल्कुल राख हो जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो मैं सोचता था, मैंने सर्च किया तो मैं सोचता था कि एक हथौड़ा रखूँ मैं, लेकिन भाई मेरे जो ये जो विंडो होता है, ये इस तरह का विंडो बनता है कि आप हथौड़े से और या किसी चीज़ से, पत्थर से मारेंगे तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, बहुत बहुत मुश्किल होता है इसे तोड़ना। और जब ये जो सीट बेल्ट है, जब आप एक्सीडेंट हो जाते हैं या कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है, तो फिर सब कुछ ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, दरवाजे लॉक हो जाते हैं, ये सीट बेल्ट भी लॉक हो जाता है, संभवतः खुलता भी नहीं है, जाम हो जाता है। तो उसके लिए एक छोटा सा ये टूल है, कार ब्रेकर, कार जो है विंडो ब्रेकर। इसमें दो चीज होते हैं, एक तो ये छोटा सा हैमर है, ये बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा पिन जैसा है, बिल्कुल पिन, कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पर एक कटर है, आपको इससे चोट नहीं लगेगी, इसमें फाइबर जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ये फाइबर है, ये फाइबर चारों तरफ से, अंदर में एक बहुत ही तीखा ब्लेड है, और वो ब्लेड जो है इस सीट बेल्ट को काटने के लिए है वो। और मैं काट करके दिखा तो सकता नहीं हूँ, चूंकि भाई मुझे लॉस हो जाएगा, और नहीं मैं आपको कार विंडो को ब्रेक करके दिखाऊंगा बिल्कुल नहीं, चूंकि फिर तो मुझे तो लॉस हो जाएगी काफ़ी। लेकिन मैं बता दूं कि ये इतना छोटा सा टूल है, और मैंने कई वीडियोज़ देखे हैं, मतलब उसमें हथौड़े मार रहे हैं,
और खंती से मार रहा है, लोहे से मार रहे हैं, लकड़ी से मार रहा है, लेकिन इसके जो शीशे हैं मैंने नहीं टूट पा रहे हैं, छोटा सा क्रैक हो जाता है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो है मैं बता नहीं सकता हूँ, मैंने कई वीडियोस देखा है तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। मतलब छोटा सा बस यूं हल्का सा आप इस पर प्रेशर देंगे क्या कहते हैं विंडो पर शीशे का, तो ये बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा बिना किसी ज़्यादा दबाव के, बिल्कुल बहुत ही आसानी से ये चूर चूर हो जाएगा और आसानी से हम लोग सेव हो सकते हैं। फिर उसी तरह से इसको जो ये जो है आपका सीट बेल्ट, इसे काटने के लिए इसको अंदर डालेंगे और खींचेंगे तो ये बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर करूं इसके बारे में। और भाई जितने भी गाड़ी वाले हैं मैं चाहूँगा कि इसे आप अवश्य अपने पास रखें, और बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल छोटा सा है और इससे आपको जो है कहीं रखने में मतलब परेशानी नहीं होगी। और ये मैं बता दूं कि ये आप इसको रखने के लिए आप इसे किसी आप वो जो होता है ना अंदर लॉक जो है उसमें ना रखें, बिल्कुल आसपास में रखें। लेकिन कई बार जो एक्सीडेंट होते हैं तो ये जो सीट बेल्ट बहुत टाइट हो जाता है तो हो सकता है कि वहाँ तक आपके हाथ ना पहुँचे, तो इसे बिल्कुल आसपास में ही रखें। और बिल्कुल छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, और भगवान न करे कि कभी किसी के साथ कोई हादसा हो, मैं तो नहीं चाहूँगा, ना ही मेरे साथ हो ना ही किसी के साथ हो, लेकिन जो होनी को टाला नहीं जा सकता, एक्सीडेंट जब बाहर निकलते हैं तो संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये मैं कहूँगा आप सबों से कि भाई इसको अवश्य लें, ये बिल्कुल अच्छा। जहाँ तक दाम की बात है तो ये दाम ज़्यादा नहीं है इसके, कई इसके कंपनीज हैं, कई इसके वैरायटीज़ हैं, और ये आपको 150-200 रुपये से ले करके मात्र ये 2500-4000-5000 तक का भी मिलता है। तो मैंने तो बिल्कुल नीचे का भी नहीं लिया है, ना ही भाई हाई लेवल का लिया है, मैं मध्यम मार्ग चलता हूँ तो बीच का मैंने लिया है, और बिल्कुल बहुत ही मजबूत है, बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं चाहूँगा सभी वाहन रखने वाले कि भाई आप इसे अवश्य लें। बहुत सारे आप लोग हजारों रुपये के इसमें एक्सेसरीज लगाते हैं तो उनको न लगा करके उनको लगाएं, आपकी खुशी है हालांकि, लेकिन इसे आप ज़रूर लें। मैं चाहूँगा आप इसे आप गूगल में करें, और मुझे नहीं लगता है यहाँ आसपास में किसी दुकान में मिलता होगा, तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, विद इन ए वीक ये आपके पास पहुँच जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरी एक छोटी सी सलाह है जितने गाड़ी रखने वाले हैं, वाहन रखने वाले हैं, कि इस टूल को आप अवश्य अपने साथ अपनी गाड़ी में रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।